दोस्तों आज भारतीय टीम और श्रीलंका की टीम के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है, जहां आज के दिन रविंद्र जडेजा ने काफी तगड़ी बल्लेबाजी करके अपना 150 रन बनाया। जहां भारतीय टीम ने इस पहले टेस्ट मैच में पहले दिन तक 6 विकेट के नुकसान पर 357 रन बना लिए थे, वहीं जब आज के दिन भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो भारतीय टीम की तरफ से रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने आज के मैच में काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी और इनकी शानदार बल्लेबाजी की वजह से ही भारतीय टीम का स्कोर 500 रन के पार पहुंच पाया था। जहां आज के दिन पहले रविंद्र जडेजा ने 87 गेंदों का सामना करने के बाद अपने 50 रन पूरे करे थे, तो वहीं दूसरी तरफ खड़े रविचंद्रन अश्विन ने 67 गेंदों का सामना करने के बाद अपने 50 रन कम्प्लीट करे। जहां ये दोनों ही बल्लेबाज काफी शानदार बैटिंग कर रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने 7वें विकेट के लिए बेहतरीन अंदाज में 130 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप कर डाली थी, लेकिन इसी बीच भारतीय टीम को 7वां बड़ा झटका 462 रन के स्कोर पर सुलांगा लकमल ने देते हुए रविचंद्रन अश्विन को आउट कर दिया और अश्विन 61 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए थे। वहीं अश्विन के आउट होने के बाद जहां दूसरी तरफ खड़े रविंद्र जडेजा अपने शतक से मात्र 1 रन दूर थे और उन्होंने इसके बाद 160 गेंदों का सामना करने के बाद अपने 100 रन भी पूरे कर लिए थे और रविंद्र जडेजा इसके बाद काफी आक्रामक अंदाज में बैटिंग कर रहे थे, लेकिन इसी बीच 471 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को 8वां बड़ा झटका विश्वा फ्रांडो ने देते हुए जयंत यादव को आउट कर दिया और यादव बस 2 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन एक तरफ रविंद्र जडेजा काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग कर रहे थे और उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के आगे श्रीलंका के गेंदबाज कुछ ज्यादा कमाल नहीं दिखा पा रहे थे। जहां रविंद्र जडेजा ने अपनी शानदार बैटिंग की वजह से भारतीय टीम का स्कोर 574 रन तक पहुंचा दिया था और इसके बाद भारतीय टीम ने 574 रन के स्कोर पर ही इस पारी को डिक्लेयर कर दिया। यानी भारतीय टीम की तरफ से रविंद्र जडेजा 175 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे, वहीं मोहम्मद शमी भी 20 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जहां भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 8 विकेट के नुकसान पर 574 रन बनाए और जब इसके बाद श्रीलंका की टीम पारी की शुरुआत करने उतरी तो श्रीलंका की शुरुआत तो इस मैच में बेहद ही शानदार रही थी, लेकिन 48 रन के स्कोर पर श्रीलंका को पहला बड़ा झटका रविचंद्रन अश्विन ने देते हुए लहरू थरीमनी को आउट कर दिया था और लहरू 17 रन बनाकर आउट हुए थे। वहीं इसके बाद 59 रन के स्कोर पर रविंद्र जडेजा ने श्रीलंका को दूसरा बड़ा झटका देते हुए डिमुता करुरत्ने को आउट कर दिया था और करुरत्ने 28 रन बनाकर आउट हुए थे। वहीं इसके बाद 96 रन के स्कोर पर श्रीलंका को तीसरा बड़ा झटका जसप्रीत बुमराह ने देते हुए एंजेलो मैथ्यूज को आउट कर दिया और मैथ्यूज 22 रन बनाकर आउट हुए थे। और वहीं इसके बाद 103 रन के स्कोर पर श्रीलंका को चौथा बड़ा झटका रविचंद्रन अश्विन ने देते हुए धनंजय डिसिल्वा को भी आउट कर दिया और डिसिल्वा बस 1 रन बनाकर आउट हुए। और इसी के साथ दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका की टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर मात्र 108 रन बनाए हैं। जहां श्रीलंका की तरफ से चरित्र श्रीलंका 1 रन बनाकर नॉट आउट है और अभी भारतीय टीम के पास पूरे 466 रनों की बढ़त बाकी है। जहां भारतीय टीम की तरफ से दूसरे दिन रविचंद्रन अश्विन को 2 विकेट हाथ लगी, वहीं जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा ने 1-1 विकेट झटका। वहीं इस समय भारतीय टीम काफी आगे चल रही है।